लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीर। कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे 72 जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है। यह स्नेह और सम्मान का भाव हमारे सैनिकों के उत्साह को, उनके परिवारजनों के उत्साह को कई गुना बढ़ाता है। आज क्षण हमारे सामने है जब हम कैप्टन अंशुमान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे क्षेत्र की सुंदरीकरण की एक बृहद योजना अपने हाथों में ली है और इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण का संकल्प हम सबको दिलाया है उनमें से एक संकल्प सैनिकों का सम्मान का भी दिलाया है। अगर हम अपने सैनिक का सम्मान करते हैं तो हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और यह भाव हम सबके मन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले जवान, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जो भी जवान हैं, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है उसके अतिरिक्त अपनी ओर से भी 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगा और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा को स्थापना करने, उनके नाम पर किसी संस्था का या मार्ग का नामकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 से लगातार हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने यहां पर कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा की स्थापना की है। कैप्टन अंशुमान सिंह गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद देवरिया में उनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद भारतीय सेना के प्रति, भारत की सुरक्षा के प्रति एक उदग्र भावना ने उन्हें भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया और चुनौती की परवाह के बगैर उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए 19 जुलाई 2023 को
वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए उनकी शहादत का सम्मान दिया। आज के इस अवसर पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पूजनीय माताजी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सेना के जितने भी हमारे अधिकारी आए हैं, जितने भी बहादुर जवान आए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और नगर निगम को इस सराहनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। वार्ड नंबर 20 से नीरू भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।